26 जनवरी गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह रविवार को पटेल मैदान में समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। इससे पूर्व शहर के अनेक स्कूल्स के छात्र छात्राओं ने पटेल मैदान में शुक्रवार को फाइनल रिहर्सल की। प्रदर्शन प्रभारी जसवंत सिंह ने बताया कि दो दिन चली बारिश के बाद आज सभी छात्र छात्राओं ने सामूहिक व्यायाम, सामूहिक भारतीयम, पीटी परेड और डांस के रिहर्सल में भाग लिया। सभी बच्चों की तैयारियां पूरी हैं। गणतंत्र दिवस का मुख्य जिला स्तरीय समारोह पटेल मैदान में होगा। इस दौरान मुख्य अतिथि राष्ट्र ध्वजारोहण कर परेड निरीक्षण करेंगे और मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। समारोह में राज्यपाल का संदेश पढ़ा जाएगा, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान और प्रतिभाओं को पुरस्कृत किया जाएगा। इसी कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा सामूहिक व्यायाम, राजस्थानी लोक सांस्कृतिक नृत्य व झांकियों का प्रदर्शन होगा। अभी आज सामूहिक व्यायाम किया है, दो तीन दिन के बाद में मौसम खराब था, पर बच्चे अच्छी तैयारी के अंदर है। हमने जो पहले तैयारी की उसका आज प्रतिफल मिल रहा है। बच्चे को सब चीज़ें याद है। आज वापस दो तीन दिन बाद में वापस स्टार्ट हुई है तो अच्छा किया है। फ्री आर्म्स की व्यायाम है, सामूहिक व्यायाम है जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों करेंगे। बॉयज़ के लिए डंबल्स की एक्सरसाइज है और गर्ल्स के लिए लेजियम की एक्सरसाइज है, और फिर बैठने के बाद एक भारतीयम का सामूहिक व्यायाम है और अच्छा प्रदर्शन चलेगा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का मुख्य जिला स्तरीय समारोह रविवार को पटेल मैदान में आयोजित किया जाएगा। इससे पूर्व पटेल मैदान को सुरक्षा की दृष्टि से खुफिया और पुलिस विभाग ने अपने कब्जे में लेकर सघन जांच शुरू कर दी। पटेल मैदान के चप्पे चप्पे को डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से छाना गया। एएसपी तेजराज सिंह ने बताया कि 26 जनवरी तक राउंड द क्लॉक मैदान की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पटेल मैदान के कोने कोने को बम निरोधक दस्ते ने खंगाला और मैदान के सभी कमरों को सील कर दिया। आगामी गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस की ओर से पूरे पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। स्टेडियम को करीब दो तीन सप्ताह पूर्व से ही वहाँ पर पुलिस की गार्ड लगा दी गई है और आने जाने वालों पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। सबकी फ्रिस्किंग वगैरह चेकिंग की जा रही है। स्वयं पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी आज जाकर के वहाँ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर करीब 400 आदमी की तैनाती रहेगी। इसके अलावा पुलिस की मोबाइल्स और दूसरी सारी व्यवस्थाएँ सब रहेंगी, एसी वगैरह सब किया जाएगा। तेजा सिंह ने बताया कि गणतंत्र दिवस से पूर्व शहर भर के सभी थाना क्षेत्रों में थाना प्रभारियों के नेतृत्व में 4 से 6 बजे तक रोजाना नाकाबंदी रहेगी। सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। आज शहर में शाम को 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक विशेष नाकाबंदी करवाई जाएगी। एक स्थान पर कम से कम 2 थानाधिकारी या 2 गाड़ियाँ रहेंगी और 20 से 25 आदमी का पुलिस का जाप्ता रहेगा। उनको विशेष टास्क दिया गया है, आने जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की गहनता से चेकिंग की जाएगी। ये तो एक सतत प्रक्रिया है पुलिस की। 26 जनवरी भी इसका एक कारण है और दूसरे भी कारण है जिसमें अपराधियों पर अंकुश रहे और संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो सके। नगर निगम द्वारा हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले विद्यार्थियों और कर्मचारियों को लड्डू का वितरण किया जाएगा। शुक्रवार से गांधी भवन में लड्डू निर्माण का कार्य शुरू हो गया। लड्डू बनाने के लिए बनाए गए प्रभारी गजेंद्र सिंह ने बताया कि 7 क्विंटल कच्ची सामग्री से 21,000 लड्डू बनाए जाएंगे। हर पैकेट में 2-2 लड्डू के हिसाब से 5,800 पैकेट प्रशासन को सौंपे जाएंगे। हर वर्ष की बात ही, इस वर्ष भी गणतंत्रता दिवस के पे जो झंडारोहण आयोजन किया जाएगा पटेल स्टेडियम में, इसके लिए प्रशासन के निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा लड्डुओं का निर्माण कराया जा रहा है। नगर निगम कार्यालय में यहीं हलवाई बैठाया गया है और साथ ही जो हमने करीब 700 किलो सामग्री, इसमें शक्कर, घी, बेसन आदि वगैरह जो हैं, उन सबको हमने अपना बाज़ार से परचेज किया है और लगभग 21,000 लड्डुओं का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से 5,800 पैकेट लड्डू, जिसमें प्रत्येक पैकेट में 2-2 लड्डू होंगे, ये जिला प्रशासन
एजुकेशन वालों को यहाँ भेजे जाएंगे जो कि पटेल स्टेडियम में बटेंगे, और उसके अलावा जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उन सभी के साथ जो ध्वजारोहण पर लड्डुओं का वितरण किया जाएगा। पूरी स्वच्छता और सफाई और शुद्धता का इसमें पूरा ध्यान रखा जा रहा है। CMHO की टीम भी आई थी, उन्होंने को सैंपल दिए हैं, उन्होंने सूखी सामग्री का भी सैंपल लिया, बने हुए का भी लिया, और पूरी कोशिश की जा रही है कि बड़ी शुद्धता से देसी घी के लड्डुओं का निर्माण करके और जो आयोजन किया जा रहा जो पर्व है गणतंत्र दिवस उस पर सब। धार्मिक नगरी पुष्कर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए शनिवार को हजारों लोग पुष्कर मैराथन में दौड़ेंगे। पुष्कर मैराथन को लेकर जहां एक और कस्बे में जोरदार उत्साह है, वहीं विदेशी पर्यटक भी इस अनूठी पहल का स्वागत कर रहे हैं। मैराथन को सफल बनाने के लिए प्रेस क्लब, नगर पालिका और पुलिस प्रशासन ने आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। कस्बे के सभी संगठनों का भी पुष्कर मैराथन को भरपूर समर्थन मिल रहा है। इसी तरह मेला ग्राउंड पर आयोजित होने वाले सामूहिक गणतंत्र दिवस समारोह की भी तैयारियां जोरों पर है। रोजाना स्कूली बच्चों को परेड, PT और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अभ्यास कराया जा रहा है। सामूहिक गणतंत्र दिवस के मौके पर शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में पुष्कर का गौरव बढ़ाने वाले विद्यार्थियों, अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान भी किया जाएगा। इस बार जो गणतंत्र दिवस जो समारोह 2014 जो मनाने की जो तैयारियां चल रही है, उसमें क्या हुआ कि प्रेस क्लब पुष्कर की ओर से एक तो मैराथन और प्लस 26 तारीख को हम सामूहिक रूप से गणतंत्र दिवस समारोह यहां पर मनाने जा रहे हैं। और तमाम विद्यालय पुष्कर क्षेत्र के आसपास के विद्यालय भी, सरकारी एवं गैर सरकारी तमाम संस्थान इसमें बड़े जोर शोर से भाग ले रहे हैं और बड़े उत्साह से इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, PT, परेड, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर हम इनकी पूरी तैयारी कर रहे हैं जो अंतिम दौर में है। और हम ये चाहते हैं कि ये जो कार्यक्रम जो पुष्कर प्रेस क्लब ने इस बार जो बेड़ा उठाया है, इसके लिए ये धन्यवाद के पात्र है। और सब हम लोग सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों से जुड़े हुए जितने भी शिक्षक हैं, हम इनका भरपूर सहयोग करें। और हमारे स्कूलों के जो छात्र हैं वे भी इसमें बड़े तन मन से बड़े ज़बरदस्त भाग ले रहे हैं और बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। और हम चाहते हैं इनसे ये गुजारिश करते हैं कि भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहें, कि साल में दो फंक्शन आते हैं, एक तो स्वाधीनता दिवस और एक गणतंत्र दिवस। और मैंने व्यक्ति से इनसे एक प्रार्थना की है कि ये सामूहिक रूप से कार्यक्रम इसी मेला ग्राउंड में मनाए रखे तो हमारी एकता का भी हमें एक मिलेगा कि संकेत, हम सब सामूहिक रूप से गैर राजनीतिक तरीके से हम इस कार्यक्रम को हम यहाँ पर आयोजित करते हैं।